सो गाइस हमारे फर्स्ट रॉयल पास गिव अवे के विनर है भाई साहब बब्बे आली वाजी, बहुत ज़्यादा बढ़िया। तो गाइस फर्स्टली हम इसको पहले फ़ोन कॉल करेंगे एंड भाई देखते हैं भाई इसके रिएक्शन कैसे होंगे। तो चलिए। हाँ भाई आ रही है। और भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई, सॉरी मैंने पहचाना नहीं भाई। नहीं आप, वो तो कोई दिक्कत की बात नहीं भाई। आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली से भाई, दिल्ली से हो? दिल्ली से कहाँ? वसंत विहार से। अच्छा रोहित। हाँ हाँ भाई, भाई टाइगर और गेमिंग देखते हो चैनल? हाँ भाई, तुम सब्सक्राइब बोल रहे हो? सब्सक्राइब किया? हाँ भाई, अच्छा बिल्कुल किया भाई। हाँ, और क्या देखते हो? खेलते भी हो कस्टम रूम? कस्टम रूम अभी खेलना थोड़ा बंद कर रहे हैं, यहाँ थोड़ा नेटवर्क का इशू आ गया। वैसे हाँ बेसिकली ना मैं कॉलेज वॉलेज के देहरादून जाता हूँ, हाँ अभी तो कोरोना के चक्कर में भी ले हूँ। हाँ हाँ तो आपका नाम क्या गेम है? मेरा नाम भव्य के नाम से ही है गेम में। अच्छा ठीक है, मैंने देखा नहीं कभी। हाँ हेलो रोहित, रोहित भी लाइन पे है? रोहित, रोहित कौन भाई? रोहित टाइगर शैडो। अच्छा हाँ अच्छा भाई, तेरे को यार बात बतानी थी कि भाई, जो रॉयल पास गिव अवे था ना हमारा, हाँ भाई, उसका तेरे पास रॉयल पास तो नहीं है ना पहले से? हाँ नहीं भाई, तो जो रॉयल पास का गिव अवे का विनर है ना भाई, हाँ भाई, वो तू है। अरे थैंक यू सो मच मेरे भाई। अरे थैंक यू शॉर्ट भाई। हमारा ना फर्स्ट रोल पास गिवे था एंड अच्छा तू हमारा फर्स्ट विनर है, मतलब के स्टार्ट जब क्या है, फर्स्ट विनर है तू हमारा। मैंने कहा चल फोन करके उसको बताते हैं, तभी तेरा फोन नंबर हमने मंगा। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो। थैंक यू सो मच, मेरे को बहुत खुशी है। तुम्हारा हाँ तुम्हारे सारे कस्टम्स मोस्टली मैं देख लेता हूँ भाई। हाँ वही थोड़ा मैंने तो बताया ना, थोड़ी बहुत नेटवर्क का इशू है, जैसे हाँ हाँ जैसे नेटवर्क होते मैं देख लेता हूँ, कमेंट हाँ भी करता हूँ मैं। हाँ मैंने तुमको कहा भी था तुम स्क्वाड में ले लो मेरे को यार। हाँ वही वही कमेंट ने तेरे को जिताया। ठीक है देख क्या हुआ, स्पिन द व्हील हुआ, अच्छा स्पिन द व्हील हो, किसी के कमेंट ने जिताया, मतलब कि हमने किया स्पिन द व्हील एंड उसमें भाई हाँ तेरा नाम भाई, आया। एक बार ही किया हमने, ये नहीं कि 2-3 बार करते हैं, नहीं सिर्फ एक बार ही किया, उसमें तेरा नाम फर्स्ट पे आया एंड तू विनर है। हमने तेरे को उसी कमेंट में किया कि भाई अपना फोन नंबर दे एंड बस अभी जैसे बात कर रहे हैं तेरे को रॉयल पास के बारे में बता रहे हैं। हाँ भाई, हाँ और दूसरी बात यह है कि अभी मेरे को अपनी वो आईडी दे देना, ठीक है, एंड ठीक है हाँ सब कुछ बता देना। एंड दूसरी बात यह है कि भाई अपना क्या उसे कहते हैं कि अपना वो जो करेक्टर आईडी है ना वो हाँ हमको दे भाई। देना। तो मैं भाई भागव को बस इतना कहना चाहता हूँ भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो, तू हमारा फर्स्ट विनर है, बहुत बहुत बढ़िया। और अगर आप भी इतना ज़्यादा रॉयल पास, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो, सिंपली आप भी जीत जाओगे। वेलकम बैक टू पबजी कस्टम रूम। मेरा नाम है टाइगर नूर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टाइगर नूर गेमिंग। और यहां पर अगर मैं बात करूं भाई, मैच स्टार्ट हो चुका है एंड एटलीस्ट 94 प्लेयर्स आए खेलने के लिए, बहुत ज्यादा बढ़िया। एंड यहां पर अगर मैं बात करूं भाई बंदों की ना, बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे प्लेयर्स आए हैं, बहुत ही ज्यादा मजा आता है इनका गेम प्ले देखने में। एंड यहाँ पर आज फर्स्ट टाइम डेवलियंस विजन ने हमें दर्शन दिए हैं। एंड अगर मैं ड्रोन व्यू की बात करूँ तो जल्दी से ऊपर से मैं एक बार देख लेता हूँ भाई कौन कौन सी टीम आई है। एंड यहाँ पर भाई साहब बंदों को देख सकते हो, कितने सारे प्लेयर्स आए हैं भाई साहब खेलने के लिए, थैंक यू सो मच। एंड हमारे ग्लिच वॉम भैया। एंड अगर मैं भाई टीम्स की बात करूँ भाई साहब, 95 प्लेयर्स आ चुके हैं खेलने के लिए, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। एंड अगर मैं बात करूँ भाई बंदूक की, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कितने सारे प्लेयर्स आपस में कुछ एक मोड्स कर रहे हैं, कुछ एक किसी को मार रहे हैं। एंड यहाँ पर बस 15 सेकंड बचे हैं मैच को स्टार्ट होने में एंड सभी बंदे आपस में मतलब के भाग रहे हैं। एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ भाई साहब OSM नूब की, तो वो भी अभी भागना स्टार्ट कर दिया, बट यहाँ पर मैच हो चुका है स्टार्ट। और अगर अब मैं रूट की बात करूँ तो यहाँ पर भाई साहब गाटका से नोवा तक, नोवा मिलिट्री बेस रूट आया है एंड बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। एंड अगर मैं मेन प्लेसेस की बात करूँ तो इस बार पोचिंकी फार्म, माल्टा, नोवा मिलिट्री बेस, क्वेरी एंड ये वाले जो
क्या उसे कहते हैं प्लेसेस है, इसको रूट कवर कर रहा है। एंड जोर्जो पूल भी जो जाना चाहता है वो जा सकता है। एंड रोजो की बात करो वो दूर है थोड़ा सा, स्कूल भी थोड़ा सा दूर है, प्रिजन भी बहुत ज़्यादा दूर है, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा बंदों का रूट। एंड यहाँ पर भाई जो बनते हैं वो उतरना स्टार्ट हो चुके हैं। एंड में अगर मैं टीम नंबर 23 की बात करूँ तो भाई साहब टीम नंबर 23 वो जा रहे हैं, टीम नंबर 23 यहाँ पर तो है बट पता नहीं, अच्छा ठीक है सॉरी टीम नंबर 23 यहाँ पे होगी जी हाँ। तो ये बंदे पक्का जाएंगे भाई साहब मे बी जॉर्जो पुल, यहाँ पर जॉर्जो सिटी तक तो पहुँच भी गए। एंड भाई जॉर्जो पुल में बहुत ही सारी टीम्स आप देख सकते हो, ऊपर का अगर मैं आपको व्यू दिखाऊं तो 1, 2, 3 टीमें आई हैं भाई जॉर्जो सिटी में। एंड इनकी भी फाइट देखने को मिली, 3 नहीं 4 टीमें, 5 टीमें भाई साहब, टाइगर जेडी भी यहाँ पर है, बहुत ज़्यादा बढ़िया, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, मतलब 5, 5, 6 टीमें। और भाई वो टीम एक और यहाँ पे आई है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, एंड भाई बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है भाई गेम प्ले देखने में। एंड मेरे को माफ़ करना अगर मैं किसी की फाइट नहीं दिखा पाया, एंड उससे भी इम्पोर्टेंट बात कि यार अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, आप बच्चन अपना सपोर्ट दिखा दो, मतलब इतना ज़्यादा मज़ा आता ना, इतने ज़्यादा अच्छी मैच देख लेते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हमारे बंदों के, यार ये तो गलत बात होगी ना, तो प्लीज़ यार एक बार जो है ना सब्सक्राइब कर दो। एंड यहाँ पर भी मेरे को लग रहा है डेली मतलब सबसे पहले हमें भाई बिंदास 2 हमें छोड़ के जो हैं, एंड बहुत ही ज़्यादा गलत बात थी, गलत नहीं भाई जिसने मारा है उसके लिए सही है, जो मारा है उसके लिए गलत है। एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ भाई साहब टीम नंबर 1 की, तो डेवलिन स्ट्रेंज बहुत ही ज़्यादा मतलब कि उनकी फाइट जस्ट होने वाली है। एंड यहाँ पर डेली जोकर आप देख सकते हो टीम नंबर 6 में यहाँ पे, एंड सोल किलर भी आज इनके साथ हैं। एंड डेवलिन विजन अकेले गिर चुके हैं, यहाँ पर डेवलिन विजन नीचे गिर चुके हैं। अगर मैं टीम की बात करूँ भाई साहब पास में भाई विजन है, एंड क्या विजन मार पाएंगे, एक शॉट ये क्या था, विजन ने कुछ किया ही नहीं, गन लोड कर ली बट पास में विजन ने कुछ किया ही नहीं। एंड यहाँ पर भाई साहब विजन हमें छोड़ के जा चुके हैं। दूसरी बात अगर मैं बंदूक की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई साहब टीम नंबर 17 एंड टीम नंबर 23 इन दोनों टीम में मुकाबला होने ही वाला है, तो यहाँ पर भाई इनका भी मुकाबला देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बट फिलहाल हमको सबसे पहले भाई दूध वाला की टीम के पास चलना पड़ेगा, यहाँ पर जल्दी से टीम्स के पास चलते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा गेम प्ले देखने को मिल रहा है भाई बंदूक का। एंड यहाँ पर दूध वाला एंड दारू वाला इनका मुकाबला हो रहा है माल्टा के एरिया के आसपास टीम नंबर 12 से, और यहाँ पर हमारी ग्लिच की टीम है टीम नंबर 20 भी यहाँ पर है, बहुत ज़्यादा बढ़िया। अगर मैं बात करूँ भाई ग्लिच पापा की तो अपनी टीम से थोड़ा सा दूर है। एंड जो ग्लिच की अगर लियो की बात करूँ यहाँ पर आप देख सकते हो दारू वाला ने भाई साहब रैली शिबू को पूरा क्लियर भी कर दिया है, बहुत ज़्यादा बढ़िया। एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ भाई साहब अपने दोस्त को भी रिवाइव दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा गेम प्ले यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर ग्लिच और जी की बात करूँ तो वो अपने दोस्तों के साथ अभी मे भी यहाँ से निकल रहे हैं, वाइल्डा से निकल रहे हैं क्योंकि उनको पता है बहुत ही ज़्यादा प्लेयर है इधर, तो यहाँ पर रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर क्लिच की पूरी स्क्वाड माल्टा को छोड़ के जा रही है, बट हम नहीं जाएंगे, हम फाइट देखेंगे माल्टा में। यहाँ पर एक स्क्वाड जा चुके हैं माल्टा से, सेफ खेलना चाहते थे कि उनको पता था बहुत सारी स्क्वाड उतरी हैं। एंड डब्ल्यूएनएस की पास चलते हैं, डब्ल्यूएनएस की टीम के पास चलते हैं। यहाँ पर अगर मैं डब्ल्यूएनएस की टीम की बात करूँ तो कहाँ पर हैं डब्ल्यूएनएस के बंदे, तो थोड़ा सा ऊपर देख लेता हूँ कहीं ऊपर ना हो डब्ल्यूएस, क्योंकि डब्ल्यूएस की टीम बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेलती है, उनका गेम प्ले भी देखना चाहूँगा मैं। एंड डब्ल्यूएस तो यहाँ पर डब्ल्यूएस की टीम हमें छोड़ के मे भी जा चुकी है। एंड मेरे को नहीं पता चल रहा भाई साहब कहाँ पे किस किस की फाइट हो रही है, तो यार ये डब्ल्यूएस की टीम डब्ल्यूएस की टीम की फाइट हो रही है भाई साहब टीम नंबर 16 के साथ हो रही। एंड टाइगर जेडी ने प्रीत को नीचे गिरा दिया है, तो जल्दी से टाइगर जेडी के पास भी चलना होगा। तो टाइगर जेडी मेरे को लग रहा है कि भाई जो बंदे हैं वो अभी तक अपने शॉट मतलब के हैं उनको नहीं मिल पा रहे हैं, तो भाई साहब ये तो मतलब भगवान की कृपा ही है क्योंकि इतने सारे प्लेयर हमें हमारे साथ खेलना चाहते हैं। तो भाई अभी मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, जो भी आना चाहे रूम में वो आ सकता है भाई, वेबसाइट वगैरह सब कुछ मैंने छोड़ दिया। एंड भाई जो भी आना चाहता है भाई वो आ सकता है,
तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ भाई साहब, टी नंबर यहाँ पर 5 एंड टी नंबर 16 की यहाँ फाइट हो रही है। एंड अगर मैं बात करूँ भाई साहब वम्पायर की, तो उनकी भी फाइट, वो नीचे गिर चुके हैं, तो जल्दी से उन टीम के पास चलना पड़ेगा वम्पायर को। जल्दी से मैं ढूंढ लेता हूँ टीम नंबर 18। तो भाई साहब यहाँ पर भाई पूरी टीम यहाँ पर गिर चुकी है एंड यहाँ पर वम्पायर अकेले ही बचे हैं। एंड टीम नंबर इनकी बात में भाई साहब सारे बंदे इनको छोड़ के जा चुके हैं, एक ही बंदा बचा है। एंड यहाँ पर भाई जब राणा के पास चलते हैं, टीम राणा आई थिंक टीम 4 होगी। यस, यहाँ पर भाई साहब माल्टा में बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रही है भाई साहब टीम राणा, दूध वाला दारू वाला। एंड यहाँ पर भाई डब्ल्यूएस किंग भी नीचे गिर चुके हैं, तो जल्दी से चलना पड़ेगा भाई साहब डब्ल्यूएस की टीम के पास। एंड यहाँ पर भाई माल्टा में इतना ज़्यादा अच्छा मतलब कि फाइट देखने को मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। बट यहाँ फिलहाल भाई साहब दो दो बंदे नीचे गिर चुके हैं डब्ल्यूएस के, जिनकी फाइट हो रही है टीम नंबर 16 के साथ। एंड यहाँ पर टीम नंबर 16 को भाई पूरा वाइप किया डब्ल्यूएस बकी ने। एंड यार बकी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपका प्रदर्शन, बहुत ही बढ़िया। वैनम को रिवाइव दे रहे हैं एंड यहाँ पर किंग भी रिवाइव ले रहे हैं टर्मिनर से। और एक यहाँ पर अगर मैं बात करूँ भाई टाइगर जेडी, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेल रहे हैं। टाइगर जेडी के पास जल्दी से चलना पड़ेगा। एंड यहाँ पर टाइगर जेडी की बात करूँ भाई साहब, टाइगर जेडी 100 के दिल को पूरा किल कर दिया। एंड यहाँ पर दिल्ली जोकर की टीम को भाई बारी पड़ती है भाई साहब अकेले जेडी। एंड अगर मैं बात करूँ भाई साहब एक्सप्रीत रिवाइव हो चुके हैं, एक बंदा 100 के दिल उनका छोड़ के जा चुका है। एंड टाइगर जेडी बहुत ज़्यादा बढ़िया। विष्णु भाई कहाँ पर है? विष्णु भाई गाड़ी से अभी आ रहे हैं एंड मेरे को लग रहा है विष्णु भाई के हाथ में कोई हथियार वगैरह भी नहीं है एंड अपने दोस्त के पास आ चुके हैं। एंड बहुत ज़्यादा बढ़िया, मतलब कि अपने दोस्त को भाई छोड़ के नहीं जाना चाहते। एंड यहाँ पर भाई मैं बात करना चाहता हूँ भाई टीम नंबर OSM की, जिनका एक बंदा नीचे पड़ा है। इनकी फाइट हो रही है भाई साहब टीम नंबर, इनकी फाइट हो रही थी, अभी जस्ट रिवाइव मिल रहा है। तो यहाँ पर भाई टीम नंबर 15 ने बहुत ज़्यादा अच्छा खेला। एंड अगर मैं बात करूँ भाई OSM ही, OSM क्या है इनका नाम, पांडा, यही बच्चे थे भाई अपनी टीम को भी रिवाइव दे रहे हैं। एंड यहाँ पर भाई टीम खड़ी भी हो चुकी है, एक प्लेयर और बचा था। एंड यहाँ पर वो लूट कर रहे हैं फिलहाल, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। अभी फिर से टीम नंबर 22 के पास चलते हैं, यहाँ पर भाई विष्णु भाई आ गए अपने दोस्त को बचाने के लिए। एंड अभी फिलहाल वो यहाँ से निकल रहे हैं एंड बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, विष्णु भाई ने बचा लिया टाइगर जेडी को। यहाँ पर भाई स्प्रे तो दिया है बट अभी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि बंदे यहाँ से निकल चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। यहाँ पर विष्णु भाई की बात करूँ भाई अपने दोस्त को भाई इतने मुश्किल हालातों में छोड़ के नहीं गए। टीम नंबर 25 का रुख कर लेते हैं, यहाँ पर टीम नंबर 25 स्कूल में है भाई। बंदों की अगर मैं बात करूँ ना भाई साहब, मेरे को नहीं लगा था बंदे रोहतक तक जाएंगे, जश्नाया कोलियाना तक जाएंगे, बट यहाँ पर भाई बंदे जा चुके हैं गाड़ी के पकड़ के। एंड यहाँ पर भाई फाइट स्टार्ट हो गया टीम नंबर 25 वर्सेस टीम नंबर 22। एक बंदा नीचे गिरा दिया है, उसको किल भी कर दिया है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। टीम नंबर 22 सिर्फ एक ही बंदा था मेरे को जहाँ पर मेरे को लग रहा है भाई साहब वो नीचे गिर चुके हैं एंड बाकी के प्लेयर इनके साथ नहीं है। बट अगर मैं भाई कोरी प्राइम की बात करूँ भाई साहब, इतना ज़्यादा अच्छा खेले, मतलब कि भाई साहब बंदे को नीचे भी गिरा दिया एंड उसको पूरा किल भी किया भाई, मतलब कि किल छीन के ले गया उनके, अपना छीन के ले गया किल, मतलब कि अपने क्या उसे कहते हैं कि सामने बंदों के मार दिया भाई, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। एंड यहाँ पर भाई जल्दी से टीम नंबर 4 के पास चलना पड़ेगा भाई का, राणा की टीम। राणा की टीम आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेल रही है। एंड भाई साहब भाई जो मैंने फाइट देखी भाई टीम नंबर 22 की, उसने तो भाई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आया। एंड अगर मैं मोनू की बात करूँ, वो भी हमें छोड़ के जा चुके हैं। स्टार शैंटी नीचे गिर चुके हैं, वो भी हमें छोड़ के जा चुके हैं। अमित नीचे गिर चुके हैं। एंड बात करूँ भाई साहब डी हेलो जी ही बचे हैं। एंड भाई दारू वाला एक और बंदा खा लिया। एंड टीम नंबर अगर मैं 20 की बात करूँ भाई साहब, टीम नंबर 20 के दो दो बंदे गिर चुके हैं नीचे। एंड भाई साहब ये ही किंग ही बचे हैं, तो अभी इनके ऊपर है भाई टीम का पूरा मतलब कि जिम्मेदारी, क्या वो टीम को बचा पाएंगे। एंड यहाँ पर टीम नंबर 4 ने रश करना स्टार्ट कर दिया है। एंड यहाँ पर भाई साहब फिलहाल किल करेंगे पूरा बंदे को। एंड यहाँ पर भाई साहब टीम नंबर 20 धीरे धीरे हमें पूरी की पूरी छोड़ के जाती हुई। टीम नंबर 4 के बंदे ऊपर भी आ चुके हैं एंड यहाँ पर उनको पड़ी भी है, पीछे है बंदे। अभी मेरे को लग रहा है कि उनको पोजीशन का पता चल गया होगा, उनको फायर नहीं करना चाहिए था, बट अभी फिलहाल निकल रहे हैं। मेरे को लग रहा है यहाँ से भाग जाना चाहिए, भागने में ही पड़ेगा। बट यहाँ पर भाई साहब स्प्रे पड़ रही है इनको, क्या ये बच पाएंगे यहाँ पर देखना पड़ेगा। भाई साहब टीम पीछे लग चुकी है, दारू वाला इनके पीछे लगे हैं। एंड यहाँ पर भाई स्प्रे दिया, यहाँ पर हमें छोड़ के जा चुके हैं किंग। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बंदे खेले, बट फिलहाल टीम नंबर 4 बहुत ज़्यादा अच्छा खेल रहे हैं आज, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एंड अभी चलते हैं भाई साहब डब्ल्यूएनएस की टीम के पास।
तो WNS की टीम बहुत ही ज्यादा अच्छी टीम है, चार इन्होंने किया है एंड TMX टेरिटोर यहाँ इनके साथ खेल रहे हैं। WNS की पूरी टीम बहुत ही ज्यादा अच्छी टीम मानी जाती है, बहुत ज्यादा किल लेती है एंड यहाँ पर गाड़ी फिलहाल पकड़ ली है एंड यहाँ पर जाना चाहते हैं बंदों को मारने। अभी बंदूक की तो तलाश है भाई, वो चालू हो जाएगी एंड यहाँ पर हमारा फर्स्ट एयर ड्रॉप आ चुका है जो कि खाली भी हो चुका है। तो यहाँ पर भाई मेरे को लग रहा है टीम नंबर 25 इन्होंने ही लूटा होगा एंड यहाँ पर जल्दी से भाई बाग के पास चलते हैं क्योंकि उनकी भी फाइट हो रही है। तो जल्दी से मैं उनको ढूंढ लेता हूँ भाई कहाँ पर है वो। तो अगर मैं बात करूँ टीम नंबर 21 की, भाई एक बंदा नीचे गिरा है, उनकी फाइट चल रही है भाई सब टीम नंबर 9 के साथ। तो यहाँ पर अगर मैं पुचिंकी की बात करूँ भाई बहुत खतरनाक फाइट देखने को मिल रही है एंड टीम नंबर 9 मेरे को लग रहा है भाई साहब बहुत मतलब कि अच्छा खेल रही है। यहाँ पर टीम नंबर 21 की बात करूँ एक बंदा नीचे गिर पड़ा है एंड कोरी की बात करूँ भाई डेड श्राउड को नीचे गिरा गया है एंड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फाइट भाई, हर जगह फाइट ही फाइट हो रही है। मेरे को नहीं पता चल रहा भाई किसकी फाइट दिखाऊँ किसकी नहीं दिखाऊँ। बहुत ही ज़्यादा ऑसम भाई, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एंड भाई बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है सबका गेम प्ले देखने में। एंड यहाँ पर टीम नंबर अगर मैं बात करूँ भाई साहब टीम नंबर 25 के एक बंदे की, तो यहाँ पर आप उनको देख सकते हो भाई साहब गाड़ी को फोड़ के मारा एंड बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। एंड यहाँ पर टीम नंबर 25 जहाँ पर भाई इन सभी का गेम प्ले देखना पड़ेगा, दो बंदे मारे हैं एंड टीम नंबर 7 भी इनके पास है, एक बंदा इनका हमें छोड़ के जा चुका है। तो ये दशनाया पोलियाना में आए, बहुत ही ज़्यादा दूर आए हैं एंड यहाँ पर ग्लिश टीम नंबर 11 ग्लिश टीम, मेरी फेवरेट टीम, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ग्लिश पापा। यहाँ पर आप देख सकते हो भाई साहब हाफ पे UMP है और AKM भी है इनके पास, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। एंड जल्दी से अमन टीम नंबर भाई अमन कैप्टन प्रिंस के कैप्टन के पास चलना पड़ेगा एंड क्योंकि प्रिंस नीचे गिर चुके हैं एंड यहाँ पर भाई अमन हमें छोड़ के जा चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। यहाँ पर अमन के साथ गलत हुआ, बढ़िया नहीं सॉरी। एंड यहाँ पर भाई जोकर अपनी पोजीशन लेके बैठे हैं एंड अगर मैं बात करूँ भाई साहब प्रिंस की, वो भी नीचे गिर चुके हैं एंड यहाँ पर धीरे धीरे टीम हमें छोड़ के जाती हुई, एक ही बंदा बचा है एंड वो अभी हेल्थ लगा रहा है फिलहाल, अभी देखना पड़ेगा क्या वो भाई साहब सर्वाइव कर पाएंगे क्या नहीं। क्योंकि भाई साहब अगर मैं बात करूँ भाई टीम नंबर जिनके साथ फाइट हो रही है टीम नंबर 8 की जो कि है दिल्ली की टीम, बहुत ज़्यादा बढ़िया दिलप्रीत आप यहाँ पर देख सकते हो, दिल्ली जोकर ऊपर आ चुके हैं एंड यहाँ पर भाई साहब आप देखोगे ना तो आगे ही भाई बैठे हुए हैं जोकर। तो यहाँ पर जोकर की पोजिशन आप कहाँ भाई यहाँ पे भाई साहब यहाँ पर मैं ऐसे एंगल कर लेता हूँ और बात करूँ टीम्स की, तो भाई वो यहाँ से जाने वाली है टीम, बहुत ही अच्छी किस्मत क्या वो, अगर वो थोड़ा सा भी लेना तो भाई बंदों को पता चल जाएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पास हैं। और यहाँ पर भाई टीम क्या जाने वाली है, तो यहाँ पर भाई टीम निकल चुकी है, बाल बाल बचे जोकर एंड बिष्णु भाई नीचे गिर चुके हैं भाई, बहुत गलत सीन हो गया। और अगर मैं बात करूँ भाई बिष्णु भाई नीचे गिर चुके हैं, टाइगर जेडी की हेल्थ बहुत ज़्यादा कम है, वो भाई लगा रहे हैं हेल्थ लगा रहे हैं भाई, पोशिंकी में उनका फाइट हो रहा है एंड बिष्णु भाई की बात क्या वो रिवाइव हो पाएंगे या नहीं, बिष्णु भाई नीचे हैं बट यहाँ पर मेरे को नहीं लग रहा रिवाइव हो पाएंगे एंड टाइगर जेडी की हेल्थ बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पर टीम नंबर 9 ने रश करना स्टार्ट कर दिया है एंड यहाँ पर आप देखोगे ना तो यहाँ पर जल्दी से अगर मैं बात करूँ भाई बिष्णु भाई की, तो मेरे को लग रहा है उनको रिवाइव दे देना चाहिए क्योंकि अभी वो रश आगे नहीं कर रहे। तो यहाँ पर भाई साहब देख सकते हो IM कुणाल और किंग की टीम की बात करूँ भाई वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा खेल रही है किंग की टीम, टीम नंबर 21 भाई एक बंदा और था आगे बहुत ज़्यादा बढ़िया। एंड यहाँ पर भाई साहब अगर मैं बात करूँ भाई टीम नंबर 9 की, वो बाल बाल बचे IM कुणाल, पूरी स्कोर खत्म हो चुकी है एंड आगे है टाइगर जेडी भाई, बहुत ज़्यादा गलत टाइगर जेडी भाई, बहुत अच्छे प्लेयर विष्णु भाई फिर से खड़े हो चुके हैं, टाइगर जेडी भाई फिर से खड़े हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा IM कुणाल क्या उनको मार पाएंगे, IM कुणाल की पोजीशन यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, वो थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं भाई टाइगर जेडी को, प्रेम विष्णु भाई को एंड विष्णु भाई यहाँ पर पोजीशन लेके बैठे हुए हैं। एंड यहाँ पर टाइगर जेडी की बात करूँ बहुत गलत हाथ में नेट था बट यहाँ पर भाई विष्णु भाई ने क्या बाल बाल बचा दिया एंड भाई बाल बाल बचे हैं, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा नेट से बाल बाल बचे हैं। एंड यहाँ पर अभी विष्णु भाई रिवाइव देंगे अपने दोस्त को टाइगर जेडी को, बट यहाँ पर भाई बुरी खबर ये है कि टीम नंबर 25 भी आ चुकी है एंड उनका जो मेरे को लग रहा है ना जो मतलब के टारगेट है भाई वो स्कोर हाउस होगा पुचिंकी का, बट फिलहाल वो भाई गाड़ी को फिर से मोड़ दिया है एंड मेरे को लग रहा है स्कोर हाउस में जाएंगे। बट यहाँ पर भाई अगर मैं बात करूँ भाई बहुत गलत सीन होगा, टीम नंबर 21 ने रश कर दिया भाई टाइगर जेडी के ऊपर एंड यहाँ पर भाई टाइगर स्कोर हमें छोड़ के जाने वाली है। एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ भाई साहब अगर एक बंदा भी खा लिया तो बहुत ज़्यादा बढ़िया,
किंग आ चुके हैं पीछे से, एंड यहाँ पर टीम नंबर 25 ने बहुत ज्यादा अच्छा कवर दिया भाई टाइगर स्क्वाड को, एंड टाइगर ने भाई बहुत ज्यादा बढ़िया, जेडी ने एक बंदा नीचे गिरा दिया, एंड यहाँ पर क्या जेडी उनको खा पाएंगे पूरा। एंड अगर मैं बात करूं भाई साहब, ओके तो जेडी फैल, ओ माई गॉड, फाइनली जेडी में छोड़ के जा चुके हैं टीम नंबर 21 vs 25। बहुत ही ज्यादा अच्छा यहाँ पर गेम प्ले देखने को मिल रहा है, एक बंदा भाई छोड़ के जा चुका है टीम नंबर 25 का। वहां अगर मैं बात करूँ टीम नंबर 21 की, तो भाई साहब एक बंदा छोड़ के जाने ही वाला था, बट यहाँ पर भाई बच गए बार बार टाइगर, जेडी ने उनको मारा नहीं, एंड भाई बहुत ही ज्यादा बढ़िया। एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, एक बंदा नीचे गिर चुका है भाई साहब टीम नंबर 25 का, एंड भाई लगातार भाई साहब यहाँ पर भाई स्मोक होता हुआ एंड कवर होता हुआ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। एंड यहाँ पर टीम नंबर 21 के सभी बंदे फिर से खड़े हो चुके हैं, एंड ग्लिच की टीम के पास जल्दी से चलना पड़ेगा जिनका फाइट हो रहा है TGF की टीम का। तो यहाँ पर भाई ग्लिच की टीम जिनका फाइट हो रहा है भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, टर्मिनेटर की टीम का, TGF की टीम का, मैग्नेटो ही बचे हुए हैं। एंड लियो की बात करूँ भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेलती हैं, एंड यहाँ पर भाई लियो की फाइट मैग्नेटो के साथ, लियो बोट, लियो नीचे गिर चुकी है भाई साहब, मैग्नेटो की हेल्थ बहुत ज़्यादा कम है, एंड यहाँ पर लियो को पूरा किल कर दिया। एंड यहाँ पर पापा अभी बतला लेने आ चुके हैं अपने दोस्त का, एंड यहाँ पर भाई मैग्नेटो बार बार बचे हैं, मैग्नेटो बहुत ही ज़्यादा कवर। एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ भाई साहब ग्लिच के एक टीममेट की, बहुत ज़्यादा हेल्थ कम इनकी, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा। एंड यहाँ पर आराम से पापा नोकोगे, मेरे को पता था आराम से पापा नोकोगे, यहाँ पर टीम नंबर 19 भी आ चुकी है भाई साहब रश करने, एंड बहुत ही ज़्यादा गलत सीन हो गया भाई साहब। एंड यहाँ पर भाई मैं बात करूँ बहुत ही गलत, एंड टीम नंबर 11 को पीछे से पढ़ सकती है टीम नंबर 19 से, एंड वही बात हुई यहाँ पर भाई साहब, मैग्नेटो को तो पूरा किल कर दिया है, बट यहाँ पर भाई टीम नंबर 19 के साथ भी फाइट स्टार्ट हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया यहाँ पर फाइट देखने को मिल सकती है। ग्लिच पापा यहाँ पर हमें छोड़ के जा चुके हैं, यहाँ पर केडी बॉय OS ने DS ने भाई किल चोरी भी कर लिया मैग्नेटो का, एंड वहाँ पर टीम नंबर 11 का एक ही बंदा बचा है, तो यहाँ पर भाई साहब बहुत ही तगड़ा स्कैम हो गया भाई टीम नंबर ग्लिच के 11 के साथ, ग्लिच की टीम के साथ। एंड यहाँ पर भाई पूरी स्कोर ने भाई दावा बोल दिया है भाई साहब ग्लिच के ऊपर, एंड क्या ग्लिच बच के जा पाएगी या नहीं। एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो भाई एक बंदा नीचे गिरा दिया है, बट यहाँ पर फाइनली टीम नंबर 11 हमें छोड़ के जा चुकी है भाई। क्या इतना बढ़िया गेम प्ले यार देखने को मिल रहा है बंदों का, इतना ज़्यादा बढ़िया OP गेम प्ले, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है आज तो। और यहाँ पर भाई एक और तबाही फाइट हो रही है टीम नंबर 21 vs 25, एंड यहाँ पर भाई एक बंदा नीचे गिर चुका है टीम नंबर 21 का। एंड अगर मैं बात करूँ टीम नंबर 25 की, तो भाई साहब उनका अगर मैं बात करूँ तो उनका एक बंदा पहले ही छोड़ के जा चुका था उन्हें, और किसी भी टीम को कोई नुकसान नहीं हुआ, सभी जिंदा है अभी। तो यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूँ टीम नंबर WNS की, तो वो भी अभी तक बची हुई है, बाकी अभी तक बचे हुए हैं। एंड यहाँ पर अरे यार वो छोड़ के हमें जा भी चुके हैं, चलो कोई ना, उनको देख तो लिया, इतना ही काफ़ी है। एंड यहाँ पर भाई टीम नंबर AC हर्षित की भैया की टीम बहुत ज़्यादा बढ़िया, टीम नंबर 8 यहाँ पर आप देख सकते हो भाई साहब, मेरे को लगा हर्षित भैया आज आए नहीं है। एंड टीम नंबर 7 जो अभी फिलहाल WNS की टीम के साथ फाइट करके अड़ी है, एंड भाई साहब बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेले। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ भाई साहब रॉयल ईगल की, बहुत ज़्यादा अच्छा गेम प्ले देखने को मिला। एंड टीम नंबर 8 की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर जल्दी से भाई साहब दूसरी टीम इनको छोड़कर डेलप्रिंस के पास चलना पड़ेगा, डेली जोकर की टीम के पास चलना पड़ेगा, जो कि फिलहाल फार्म के एरिया के आसपास है। एंड भाई साहब उनकी फाइट मेरे को नहीं पता किस टीम के साथ चल रही है भाई, दूध वाला दारू वाला शेकिल भाई टीम पूरी स्क्वाड के। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ भाई साहब एक बंदा नीचे गिरा दिया है भाई साहब, बाघ नीचे गिर चुके हैं, एंड टीम नंबर 4 vs टीम नंबर 6 यहाँ पर दिख सकता है। एंड फाइनली सबसे पहले हम चलते हैं टीम नंबर 21 के पास, क्योंकि उनका एक बंदा नीचे गिर चुका है, एंड वो ओ माई गॉड किंग भी नीचे गिर चुके हैं। एंड फाइनली रश करना स्टार्ट कर दिया भाई साहब टीम नंबर 25 ने, एंड यहाँ पर भाई साहब दो दो बंदे नीचे गिर पड़े हैं, एंड मेरे को लग रहा है बस बाघ हमें छोड़ के जाने वाले हैं। एंड हर्षित ने भाई क्या अच्छा सा कार्नाइडर का छोड़ दिया किंग भैया को, एंड यहाँ पर देखना पड़ेगा भाई साहब, एंड यहाँ पर भाई बाघ को पूरा किल कर देंगे, बाघ तो ऐसे ही मर जाएंगे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दो बंदे यहाँ पर भाई एसुर एंड क्योंकि अगर बात करूँ भाई साहब वो भी बहुत ज़्यादा दूर गिर पड़े, नॉक हो पड़े। एंड अगर मैं बात करूँ AXM रोड की, वो भी नीचे गिर पड़े भाई साहब, क्या तगड़ा मार रहे हैं भाई साहब टी नो 25 का ये बंदा, बहुत बढ़िया यहाँ पर रश हो चुका है। एंड फाइनली टीम नंबर 21 हमें छोड़ के जा चुकी है,
भाई साहब क्या फाइट देखने को मिली, बहुत ज्यादा बढ़िया। दारू वाले के पास चलते हैं भाई, दिलप्रीत को नीचे गिरा दिया उन्होंने, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। एंड टीम नंबर सिक्स की बात करूं भाई साहब, एक बंदा नीचे गिर चुका है, एक बंदा में पहले छोड़ के जा चुका है, डेली जोकर भाई साहब दिलप्रीत रिवाइव ले रहे हैं, प्रीत रिवाइव दे रहे हैं। तो यहाँ पर भाई साहब अगर मैं डबल डबे की बात करूँगा, टीम नंबर फोर बहुत ज़्यादा अच्छा खेल रही है, और यहाँ पर टीम नंबर टू वो भी आ चुकी है, टीम कोरी। और यहाँ पर भाई दारू वाला जो भी है एंड उनके पास आ चुके हैं। तो अभी यार टीम नंबर फोर को बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, आगे से भी पड़ेगी, पीछे से भी पड़ेगी। एंड यहाँ पर भाई सौरभ की बात करें, उन्होंने स्प्रे देना स्टार्ट कर दिया है भाई थॉमसन का। एंड यहाँ पर टीम नंबर टू को पता चल चुका है यहाँ पर बंदे हैं। एंड दारू वाला क्या कर रहे हैं यहाँ पे, दारू वाला मतलब कर क्या रहे हैं, उनको जल्दी से कोई कवर लेना पड़ेगा भाई। टीम नंबर 15 20 एरिया के आसपास आ चुकी है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक काम हो रहा है। एंड कोरी पारा ने ना भाई साहब एक बंदे को नीचे गिरा दिया है, और ये तुम लोगों को छोड़ के भाई साहब इस टीम के पास चल रहा है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ भाई साहब, एक बंदा नीचे गिर चुका है टीम नंबर फोर का, एक नहीं दो बंदे, बहुत ज़्यादा बढ़िया भाई साहब। राणा जी नीचे गिर चुके हैं। एंड यहाँ पर अगर मैं सौरभ की बात करूँ, वो नीचे गिर चुके हैं। एंड भाई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। एंड यहाँ पर भाई टीम नंबर केडी, उनके पास भी चलना पड़ेगा। केडी बॉयस क्या हमें वैसे इन छोड़ के ना चले जाएं, केडी बॉयस जल्दी पास। मैं लेट हो गया केडी बॉयस हमें छोड़ के जा चुके हैं, आई एम सो सॉरी गाइस। केडी बॉयस मेरे को माफ़ कर देना भाई साहब, आपका गेम प्ले नहीं देख पाया मैं, और यहाँ तक मेरे को लग रहा है भाई गाड़ी फूट के मरे हैं सभी के सभी बंदे। एंड यहाँ पर गाड़ी की हाथ यूएस की आप हालत देख सकते हो भाई क्या बनी है, बहुत ही खतरनाक फाइट। एंड अभी तक लिस्ट की दूसरी टीम है वो अभी तक बची हुई है, लाइनेक्स वॉम जूस अभी तक बचे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। बट फार्म के एरिया के पास चलते भाई, तीन तीन स्कोर्स वहाँ पर लड़ रही हैं, नेट पे नेट हो रही है भाई, फाइट हो रही है। राणा जी यहाँ पर आप देख सकते हो भाई साहब, तो फाइनली जोक डेली जोकर ने यहाँ पर नीचे गिर चुके हैं। एंड भाई बहुत दासू फाइट यहाँ पर देखने को मिल रही है। टीम नंबर सिक्स की बात करूँ तो यहाँ पर दूध वाला दारू वाला जो टीम थी भाई हमें छोड़ के जा चुकी है, टीम नंबर फोर हमें छोड़ के जा चुकी है। एंड यहाँ पर बैकअप आ चुका है भाई, पकी लेके आ चुके हैं भाई दिलप्रीत। एंड बहुत ज़्यादा बढ़िया भाई, जो इन्होंने बहादुरी दिखाई दोनों ने ना, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। बट फाइट अभी तक खत्म नहीं हुई, अभी आगे है टीम नंबर टू भाई, इनको भी मारना पड़ेगा। एंड अगर मैं बात करूँ टीम नंबर 15 की भाई, उन्होंने भी गेम ले रखा है टीम नंबर टू के ऊपर, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा भाई कौन सी टीम किस टीम के ऊपर हावी पड़ती है। एंड फिलहाल तो भाई जो फाइट देखने को मजा आएगा वो टीम नंबर 6 vs 2 होगा, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा। अभी बहुत सारी लूट है, आराम से लूट सकती हो भाई साहब, टीम नंबर 4 के पास बहुत ज़्यादा अच्छी लूट भी होगी। वाओ, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच आज तो भाई हद होगी, इतना ज़्यादा मज़ा आया, इतने सारे यार फाइट देखने को मिले, इतने इतने अच्छी 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 स्कोर्स के। यहाँ पर अगर मैं कोरियस की ओपी की बात करूँ तो यहाँ पर भाई साहब वो दे जनादन स्प्रे कर रहे हैं दिल्ली जोकर के ऊपर डीपी ऐप में। एंड टीम नंबर 3 का ये आप देख सकते हो, फ्यूरियस कोरी रोमन। और भाई फ्यूरियस की बात करूँ भाई साहब, भाई कल बहुत ही अच्छा इनका गेम ने देखा था। एंड यहाँ पर भाई कोरी देखे गिर चुके हैं भाई, यहाँ पर प्रीत बहुत ज़्यादा अच्छा खेल रहे हैं। एंड यहाँ पर भाई टीम नंबर 2 के ऊपर रच स्टार्ट हो चुका है। एंड यहाँ पर भाई साहब कोरी राजा को रिवाइव मिल रहा है। एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ भाई साहब, डेडली जोकर भाई बहुत ही गंदा एंड तगड़ा स्प्रे देती हुई भाई साहब बंदों के ऊपर। एंड टीम नंबर 15 को ये तो पता होगा कि भाई साहब इनकी फाइट तो चल रही है किसी टीम के साथ, तो वो अभी तक फिलहाल बस एम करके बैठे हैं, वो बस मौके का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल उनके पास कॉपी देने ज़्यादा अच्छे नहीं लग रही मेरे को, 2x 3x ही है। एंड यहाँ पर भाई साहब यूएस लेके आ चुके हैं। एंड भाई साहब डेली जोकर का मेरे को लग रहा है ये बहुत गलत था, बहुत गलत उनके पास ये डिसीजन था। डेली जोकर नीचे गिर चुके हैं एंड वो हमें छोड़ के जा भी चुके हैं। बट दिलप्रीत की बात को उन्होंने एक बंदा नीचे गिरा दिया भाई साहब, एंड बहुत ही ज़्यादा तगड़ा सीन। एंड दिलप्रीत अगर मैं बात करूँ भाई साहब, दो बंदे नीचे गिर चुके हैं। एंड ऊपर से भी वहाँ से भी भाई साहब टक टक की बातें आ रही हैं। एंड टीम नंबर 2 हमें छोड़ के जा चुकी है भाई साहब, इतना ज़्यादा अच्छा खेल रहे हैं टीम नंबर 6 के बंदे। अगर मैं इनकी भाई किल दिखा दूँ भाई, 14 kill भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया। डेली जोकर हमें छोड़ के जा चुके हैं, बट भाई प्रीत एंड दिलप्रीत इतना ज़्यादा अच्छा खेल रहे ना, मैं आपको बता नहीं सकता। और वहाँ से अगर मैं भाई साहब बात करूँ टीम नंबर 15 की, तो अभी टक 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 लग पड़े हैं, शुरू स्टार्ट कर दिया उन्होंने भी भाई, बहुत ज़्यादा बढ़िया। मौके का फ़ायदा इसको आप कह सकते हो, बहुत ज़्यादा बढ़िया भाई, टक 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 टक, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया।
टीम नंबर 6 की बात करूँ तो यहाँ से अभी यहाँ से निकलना स्टार्ट कर दिया है। एंड टीम नंबर 25 वो भी बहुत ज्यादा अच्छा खेल रही है भाई, 12 किल एक ही बंदे ने कर दिए। ओके तो डॉक्टर सुमित भैया आपका रिपोर्ट कतरे में, और यहाँ पर भाई 14 किल है इस टीम के, बहुत ही ज्यादा खतरनाक खेल रही है ये बंदे। एंड जोन आप देख सकते हो भाई है ही नहीं, 6 टीमें बची हैं, 18 बंदे लाइव है, कहाँ पे वो 18 बंदे। अगर मैं बस अब एक्सपीड की बात करूँ जोन में है, और यहाँ पर फिलहाल जोन से बाहर आ चुके हैं, जोन में अभी फिलहाल जा रहे हैं। एंड भाई टीम नंबर 25 उनका आगे वेट कर रही है, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा। बाई 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 साहब, गलत की स्कैम हो गया भाई, बहुत ही गलत स्कैम हो गया। जलप्रीत नीचे गिर चुके हैं भाई साहब, यहाँ पर बहुत गलत सीन हुआ, भगवान माफ नहीं करेगा, भगवान माफ नहीं करेगा टीम नंबर 25। आज जो मतलब के हुआ है ना, आज जो भाई साहब दिलप्रीत की टीम के साथ हुआ है, बहुत गलत। भाई साहब गिर चुके थे बंदों के बीच में, एंड यहाँ पर भाई साहब ये फटफटियाँ ने ना धोखा दे दिया। अगर ये ना गिरती ना, ये ना घूमती तो फिलहाल शायद बच जाते, बट यहाँ पर टीम नंबर 6 हमें छोड़ के जा चुके। और अगर मैं बात करूँ तो भाई यहाँ पर बहुत सारे टीम्स हैं, सिर्फ 5 बंदे बचे हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ टीम नंबर 3 की, तो 4 किले इनके। एंड अगर टीम नंबर 25 की बात करूँ भाई, बहुत ही गलत सीन। एंड अगर मैं यहाँ पर भाई ग्रिस की बात करूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेल रही है अभी, 13 किले इनके हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा बढ़िया ये खेल रहे हैं, तो इनका भी देखना पड़ेगा भाई क्या सीन है। एंड बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, एंड मैं इनका गेम प्ले देखूँगा तो। एंड अभी अगर मैं बात करूँ भाई जोन की ना, जोन वहाँ पर बना है जहाँ पर ना भाई आप यहाँ पर कह सकते हो, ओ भाई साहब जोकर अभी तक बचे, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं जिसको भी देख रहा हूँ बस वो मर ही जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मेरे को कोई शराब तो नहीं दे दिया किसी ने। बट यहाँ पर कोरी किंग की बात करूँ तो उनको मतलब कि भाई बंदों को पता चल चुका है, उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट तो पता है। एंड यहाँ पर हर्षित की टीम भी बची हुई है, टॉप 4 में आ चुकी है भाई सब, बहुत ज़्यादा बढ़िया। एंड अगर मैं टीम नंबर 28 की सॉरी 28 नहीं है, एंड यहाँ पर टीम नंबर 8 की बात करूँ भाई, बहुत ही ज़्यादा अच्छी टीम है ये, वन ऑफ द बेस्ट टीम है मेरी। एंड अगर मैं बात करूँ भाई साहब टीम नंबर 5 की, तो यहाँ पर भाई साहब ऑसम टीम पूरी की पूरी बची हुई है। एंड अगर मैं भाई साहब अगर मैं कोरी की बात टीम नंबर 25 की बात करूँ भाई, वो तो बहुत खतरनाक खेल रहा है भाई, मेरे को शक हो रहा है भाई हैक तो नहीं यूज़ कर रहा है ये यार, इतना कैसे भाई, ऐसे पूरी की पूरी टीम कैसे भाई अकेला वाइप कर सकता है भाई साहब, बहुत ही गलत सीन है। कोरी की टीम भी हमें छोड़ के जा चुकी है, तो मेरे को नहीं पता चला भाई साहब ये M249 का मतलब कमाल है या इस बंदे का कमाल है या फिर हैकिंग का कमाल है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ हर्षित की टीम की, वो भी अभी तक बची हुई है। एंड आगे टीम नंबर 25 है जो कि जोन में नहीं है, टीम नंबर 25 के बंदों ने 19 किल किए हैं भाई साहब, 19 किल वाओ। एंड टीम नंबर 8 यहाँ पर भाई कवर लेके बैठी है। एंड भाई टीम नंबर 15 यहाँ पर टीम नंबर 15 ही बची हुई है, तो पता लोग से एक बार देख लेते हैं भाई बंदों को, यहाँ पर पता लोग। एंड यहाँ पर भाई साहब ओसम माही बैठे हैं, ओसम नू बैठे हैं। एंड नीचे से अगर मैं बात करूँ आप यहाँ पर देख सकते हो ये लूट रहे हैं अभी तक बंदों को पता लोग से, अभी हमको फिर से हमको जाना पड़ेगा पृथ्वी पे। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ भाई साहब टीम नंबर 25 के बंदे धीरे धीरे जा रहे हैं। एंड हर्षित की भाई साहब आप हेल्थ देख सकते हो, यहाँ पर भाई साहब ओसम ने भाई साहब एसी को नीचे, दानव को नीचे गिरा दिया है, बहुत गलत सीन हो गया भाई साहब, बहुत ज़्यादा बढ़िया। यहाँ पर टीम नंबर 15 के बंदे खेलते हुए, एंड ऊपर से भाई साहब टीम नंबर 25 भी आ चुकी है, मेरे को लग रहा है आज भाई 90% भाई टीम नंबर 25 भी जीतेगी भाई। अगर मैं बात करूँ इस बंदे की ना, तो बहुत ज़्यादा पास में आ चुके हैं एसी के, वाओ यार ये मार कैसे रहे मेरे को तो पता नहीं जरा, गाइस कहीं तो हैकर तो नहीं है भाई, ये क्या है मेरे को नहीं कुछ पता चल रहा भाई, ये तो गलत सीन हो गया बंदों के साथ भाई साहब। 22 किल, ओ माय गॉड 22 किल टीम ने कर लिया है, और इसने अकेले नहीं भाई 20 किल किए हैं भाई साहब, ये तो बहुत गलत बात हो गई भाई, बहुत गलत काम, ये तो बहुत ही ज़्यादा भाई 20 किल क्या होते हैं भाई, आपको पता है 20 किल का, बहुत गलत। एंड यार ये यार पक्का मेरे को लग रहा है हैक तो नहीं यूज़ कर रहे, बट मैं किसी के इंजाम नहीं लगाना चाहता। एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ नूब भाई, ये बंदा हैकर था, मैं मतलब कि आपको लिख लो ये बंदा हैकर था, और भाई साहब ये हैकर ने ना मतलब मूड खराब कर दिया यार, ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे कौन मारता है भाई साहब,
एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ भाई साहब टीम नंबर वन की, तो भाई 25 किलों के साथ जीत चुकी है। एंड अगर वो बंदा हैकर नहीं निकला ना, तो भाई साहब क्या तू ओपी खेलता है। बट अगर तू भाई साहब, अगर तू भैया हैकर है तो भाई घू है तू, घू ठीक है ना। बट अगर तू हैक नहीं यूज करता तो भाई तेरे से ऊपर कोई भी नहीं है। बहुत ज़्यादा बढ़िया, यहाँ पर 25 किल किसी भी स्कोर ने नहीं किए थे। बट यहाँ पर हैकिंग का मामला अगर आया तो भाई साहब तू घू है, ठीक है, कलंक है तू, ठीक है, मान लियो। अगर टीम नंबर टू की बात करूँ भाई, बहुत ज़्यादा अच्छा खेले, 5 किल के साथ टॉप टू में आए। टीम नंबर थ्री की बात करूँ, एसी हर्षित भैया टॉप थ्री में, बहुत ज़्यादा अच्छा खेले, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अगर मैं बात करूँ आपको, अब सपोज करो भाई फाइटिंग की अगर मैं सीन की बात करूँ, इतना ज़्यादा मज़ा मेरे को कभी नहीं आया, इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग फाइट हुई यार, बहुत ज़्यादा बढ़िया भाई। जो मतलब के भाई इतनी ज़्यादा अच्छी अच्छी टीम थी ना, वो भी टिक नहीं पाई भाई, बहुत ज़्यादा बढ़िया। तो गाइस फिलहाल के लिए आज बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ हाथ जोड़ रहे हैं आपके आगे, सब्सक्राइब कर दो। और अगर आप भी खेलना चाहते हो कस्टम रूम, तो लिंक पे मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने ग्रुप का लिंक दे रखा है भाई, ग्रुप ज्वाइन करो, आपके साथ भी खेलेंगे। एंड अगर आपको स्लॉट बुक करने हैं तो वेबसाइट से करने पड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।